이런 것이 ये रेडियो ज़रमबश उर्दू की आवाज़ है। आज दोशंबे मार्च की 30 तारीख और साल 2020 है। आज की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ हुमेरा बलोच। स्वीडन में लापता होने वाले बलोच सहाफ़ी और दानिश्वर साजिद हुसैन की गुमशुदगी पर BNM वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन और NDP ने तशवीश का इजहार किया है। ग्वादर में कोरोना वायरस का एक मुशतबा मरीज हलाक हुआ है। पश्तून कौम परस्त रहनुमा महमूद खान अजगजई ने कहा है कि तबी माहरीन के मशवरे पर अमल और मुश्तरक जद्दोजहद कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां। आइए न्यूज़ बुलेटिन में शामिल बलूचिस्तान से मुतल्लिक खबरें सारिन बलूच से सुनते हैं। बलोच नेशनल मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मुराद बलोच ने कहा है कि स्वीडिश हुकूमत सहाफती और इंसानी हकूक के आलमी इदारे सीनियर बलोच सहाफ़ी और दानिश्वर साजिद हुसैन की बाजियाबी के लिए किरदार अदा करें, जो 2 मार्च साल 2020 की दोपहर से लापता है और उनका किसी से कोई राबता नहीं। डॉक्टर मुराद बलोच के मुताबिक नौजवान सहाफ़ी साजिद हुसैन बलूचिस्तान के मायानाज सहाफ़ी हैं। वो पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेज़ी जराइद दी न्यूज़ इंटरनेशनल और डेली टाइम्स में बतौर असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर और डिप्टी सिटी एडिटर काम कर चुके हैं। बलूचिस्तान में सहाफ़ी बरादरी और सियासी कारकुनों की फ़ौज के हाथों गुमशुदगी और कत्ल के बाद उन्होंने स्वीडन में सियासी पनाह हासिल की। वहां से बलूचिस्तान से मुतालिक हकायक को दुनिया के सामने लाने के लिए साजिद हुसैन बलूचिस्तान टाइम्स के नाम से इंग्लिश और बलूची जबान में वेबसाइट चला रहे थे। जबरी तौर पर लापता बलूचों की बाजियाबी के लिए काम करने वाली इंसानी हकूक़ की तंजीम वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के रहनुमा मामा कदीर बलूच स्वीडन से लापता होने वाले बलूच सहाफ़ी और दानिश्वर साजिद हुसैन बलूच की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि साजिद हुसैन का स्वीडन से गायब होना हमारे लिए इंतहाई तशवीश का अमर है। मामा कदीर बलूच ने स्वीडिश हुकाम से गुजारिश की है कि साजिद की बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करे। मामा कदीर के मुताबिक स्वीडिश पुलिस मुतमैन कन हद तक साजिद के हवाले से हमारे दोस्तों के साथ तावन नहीं कर रही है, लिहाजा हम आलमी सहाफती तंजीमों और इंसानी हकूक़ के इदारों से अपील करते हैं कि साजिद हुसैन की बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करें। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अब बलूचों को बैरूनी ममालिक से लापता करने का नया सिलसिला शुरू हो गया है। पहले राशिद हुसैन बलोच को मुत्तहिदा अरब इमारात से लापता किया गया और अब 2 मार्च साल 2020 को बलोच सहाफ़ी साजिद हुसैन को स्वीडन से लापता किया गया है। ये एक लम्हे फिक्रिया है कि बलूच फर्जिंदों को अब दीगर मुल्कों से लापता करके मुतालिका इदारों के हवाले किया जा रहा है, जो कि बलूच दुश्मनी है। चंद दिन कबल किली दाऊदाबाद दालबंदिन से अगवा किए गए नूर अहमद मेंगल को मकामी कबाइल ने अगवाकारों के साथ एक शदीद झड़प के बाद बाजियाब करवा लिया है। झड़प के बाद अगवाकार अपनी गाड़ी और एक मोबाइल समेत नूर अहमद मेंगल को छोड़कर फरार हो गए हैं। चागी के करीब ढल के मकाम पर पहाड़ी इलाके से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की शामिल है, जिन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया है। मकतूलों का ताल्लुक चागी से बताया जाता है। हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब पंजगूर में नामालूम अफराद ने अलमकबूल बस टर्मिनल के करीब फायरिंग करके एक शख्स को हलाक और एक को ज़ख्मी कर दिया है। हलाक और ज़ख्मी होने वाले दोनों आपस में सगे भाई हैं। पंजगूर ही में फायरिंग के 2 और वाक़यात में 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। क्वेटा में सरयाब रोड पर दुकान की छत गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि गौसाबाद में आपसी लड़ाई में 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ DGPR ऑफिस के साथ नई तामीर शुदा बिल्डिंग में आग भड़क उठी है,
जिसे काबू कर लिया गया है। बलूचिस्तान में ग्वादर के जीडीए अस्पताल में जेर इलाज कोरोना वायरस का एक मुशतबा मरीज दौरान इलाज हलाक हुआ है। हलाक होने वाले मुशतबा मरीज ग्वादर के इस्माइला वार्ड में पिछले 4 माह से रिहाइश पजीर था और ग्वादर में मजदूरी करता था, जिसका ताल्लुक सिंध के इलाके मीरपुर खास से बताया जा रहा है। हलाक होने वाले शख्स में कोरोना वायरस के तमाम अलामत पाए जाने की इतला है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज की बंदिश के पेश नज़र बेसिक हेल्थ यूनिट्स में शहरियों को इलाज और मुआलजे की सहूलियत फराहम करने का फैसला कर लिया, जहां पीर से मरीजों का इलाज और मुआलजा शुरू कर दिया जाएगा। क्वेटा में लॉकडाउन के बायस अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 40% इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र जारी लॉकडाउन के बायस शहर के गली मोहल्लों की दुकानों पर अशिया खुर्दनोश की किल्लत के बाद शहर के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा, चीनी, दालें और खुर्दनी तेल मैसर नहीं। लोग सस्ती अशिया की तलाश में लॉकडाउन की परवाह किए बगैर बाजारों का रुख कर रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र सूबे की जेलों और जुडिशल लॉकअप्स में बंद कैदियों की सज़ा में 3 माह की रियायत दे दी है। रियायत का इतलाक़ संगीन जराइम के मुजरमान पर नहीं होगा, जिनमें तखरीब कारी, रियासत मुखालफ सरगर्मियाँ, बैंक डकैती, रेप और नैब जैसे संगीन जराइम शामिल हैं। काबिज पाकिस्तानी आर्मी ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए बलूचिस्तान के 9 अजला समेत पाकिस्तान भर में फ़ौज की तैनाती मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आर्टिकल 245 के तहत सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए पूरे मुल्क में पाक फ़ौज के दस्ते तैनात किए गए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कोरोना के खिलाफ जंग तोप, बंदूक और चाकू से नहीं बल्कि तिब्बी माहिरीन के मशवरों पर अमल दरामद करते हुए ही लड़ी जा सकती है। महमूद खान अचकज़ई ने मजीद कहा है कि हुकूमत की जानिब से दिहाड़ीदार मजदूरों की कफालत का जिम्मा उठाना अहम इकदाम है, ताहम इसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी समेत तमाम सियासी जमहूरी क़ुव्वतों को अपना किरदार अदा करना होगा और कोरोना के खिलाफ जंग को कौमी खदुखाल में ढाल कर सीसा पिलाई दीवार की मानंद उसके खिलाफ खड़े होना होगा, जो पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेज आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद मुतासर अफराद सामने आने के बाद मरीजों की मजमू तादाद 1500 हो गई है, जबकि अलाक अफराद की तादाद 12 हो गई है। ईदी ट्रस्ट के सरबरा फैसल ईदी ने कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से सरकारी आदाद व शुमार को मशकूक करार दिया है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस के शिकार होने वालों की तादाद 1500 और अमवात की तादाद 12 बतलाने को मशकूक ठहराते हुए कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के शिकार लोगों की तादाद सरकारी आदाद व शुमार से 4 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान ने अपनी मशरकी और मगरबी सरहदें मजीद 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के माओं ने खसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी मुईद यूसुफ ने कहा है कि मुल्क के मगरबी और मशरकी सरहदें 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगी। पंजाब के जिला लहिया में करंटीनिया करार दिए गए तबलीगी मरकज में मौजूद एक शख्स ने SHO पर हमला कर दिया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक अब्दुर्रहमान नामी शख्स ने SHO को चाकू के वार करके जख्मी कर दिया। टेलीकॉम कंपनी यूपोन ने पाकिस्तान भर में लॉकडाउन के पेश नज़र सार्फिन के लिए व्हाट्सएप सर्विस मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। ट्विटर पर एक पैगाम में कंपनी का कहना था कि इन मुश्किल हालात में सार्फिन को व्हाट्सएप मुफ्त फराहम किया जा रहा है ताकि लोग अपने प्यारों से रबते में रह सकें। यह सहूलत पाकिस्तान भर के प्रीपेड सार्फिन के लिए होगी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके गिर्दोनवा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले में कोई जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली है।
زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.7 تھی، اس کی گہرائی 209 کلومیٹر اور مرکز افغانستان تاجکستان بارڈر تھا۔ افغان طالبان نے افغان حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے منتخب کیے گئے 21 رکنی وفد کو امن معاہدے سے متضاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغان حکومتی وفد میں تمام فریقوں کی نمائندگی نہیں ہے، اس لیے مخصوص گروہ کی نمائندگی کرنے والے سے مذاکرات طالبان امریکہ امن ڈیل کے خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف افغان حکومت نے طالبان کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کا اختیار حکومت کے پاس ہے، نہ کہ طالبان کے پاس۔ ترکی نے استنبول میں ایرانی اپوزیشن رہنما مسعود ورنجانی کے قتل میں ایرانی انٹیلیجنس اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ ترکی کے دو سینئر عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ برس نومبر میں استنبول میں قائم ایرانی قونصل خانے میں موجود انٹیلیجنس اہلکاروں نے ایران کی عسکری اور سیاسی قیادت پر نکتہ چینی کرنے والے نوجوان رہنما کے قتل کی ترغیب دی تھی۔ سعودی عرب کے قیادت میں یمن میں لڑنے والی عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ حوثی باغیوں نے دو بیلسٹک میزائل ہفتے کیشب الریاض اور جازان کی شہری آبادیوں کے جانب داغے تھے۔ سعودی شاہی فضائیہ نے ان کا سراغ لگا کر انہیں کسی ہدف پر گرنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا ہے۔ شمالی کوریا نے مزید دو مختصر رینج کے میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے مطابق مختصر رینج کے بلاسٹک میزائل سمندر میں گرے۔ جنوبی کوریا نے پیانگ یانگ کے اس تازہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر ضروری قرار دیا ہے۔ چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور کرونا وائرس کے سبب شرح اموات 18% تک پہنچ گئی ہے، جو ماضی قریب میں پھیلنے والی کسی بھی وبائی بیماری میں سب سے زیادہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جن کی سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں 1,33,000، اٹلی میں 97,000، چین میں 81,000 اور اسپین میں 78,000 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف کورونا وائرس سے سب سے زیادہ ہلاکتیں یورپی ممالک میں ہو رہی ہیں، جن میں اٹلی 10,780، اسپین 6,600 اور فرانس 2,600 اموات کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ امریکہ میں ایک کمپنی نے کورونا وائرس کا تیز ترین ٹیسٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کورونا وائرس ٹیسٹ ایبٹ لیبارٹریز نامی کمپنی نے متعارف کرایا ہے، جس کی بدولت 5 منٹ میں کسی فرد میں وائرس کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ یہ کٹ اتنی چھوٹی اور پورٹیبل ہے کہ اسے کسی بھی جگہ ایک عام ڈاکٹر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت میں سکھ مذہب کے مشہور گرو بلدیپ سنگھ کرونا وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان سے مبینہ طور پر وائرس کا شکار ہونے والے ہزاروں افراد کو کرنتینیا کر دیا گیا ہے۔ 70 سالہ سکھ گرو بلدیپ سنگھ یورپ میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک اٹلی اور جرمنی کا دورہ کر کے واپس لوٹے تھے۔ تائیلینڈ کی بوری رام جیل میں کورونا وائرس کی وبا کے کچے پر فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ فسادات میں درجنوں قیدیوں نے جیل میں توڑ پھوڑ کر کے قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ جیل سے بھاگنے والے 7 قیدی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم جوسیپی کونٹے نے یورپی یونین کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے لڑنے کے عمل میں سنگین غلطیاں نہ کریں، ورنہ یورپی یونین کا اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی طرف سے کورونا سے نمٹنے میں پہال کردار ادا کرنے میں ناکامی ہمارے آنے والی نسلوں پر تباہ کن معاشی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ جرمنی کے وزیر خزانہ تامس شیفر نے جرمنی کی گرتی ہوئی معیشت کو دیکھ کر خودکشی کر لی ہے۔ حکومتی نمائندوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اس بات پر پریشان تھے کہ کورونا وائرس کے پیش نظر جرمنی کی گرتی معیشت کو کس طرح سنبھال سکیں۔ 54 سالہ تامس کی لاش کل ایک ریلوے ٹریک کے قریب سے ملی تھی۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا۔ آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے۔ ہمیرہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔